सभी लोग ऑनलाइन आ गए ना? मेरी आवाज क्लियर जा रही है ना आप लोगों को? जी सर। ओके, अब मुझे एक बात बताइए कि अभी जो आपने पीडीएफ पढ़ा, आपका ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए कि कहाँ से हैं और पिगरी फार्म में अभी आप हैं या फिर आपको ट्रेनिंग के बाद पिगरी फार्म करना है। चलिए सर, हमको तो अभी ट्रेनिंग के बाद करना है। ट्रेनिंग के बाद आप कहाँ से हैं? धनबाद से सर। धनबाद से। और दूसरे भैया बताइए अपना। मेरा भी ट्रेनिंग के बाद ही चालू होगा। आप कहाँ से हैं? गुमला से। गुमला, गुमला से सर। ओके, अभी आपका करंट काम क्या है सर? ऐसे तो अभी पर्सनली ये जोमेटो स्विगी वगैरह काम करते हैं। चलिए ठीक है। और आपका लक्ष्मण जी? चल रहा है अभी पिगरी फार्म चल रहा है आपका? ओके, दोस्त है मेरे पास। ओके, अभी जैसा कि अभी आप दोनों को मैं बता दूं, धनबाद वाले भैया और ये एक और कहाँ से हैं? गुमला। गुमला। ये जो लक्ष्मण जी है वो बाहर के हैं। कहाँ के हैं लक्ष्मण जी आप? त्रिपुरा सर। त्रिपुरा। त्रिपुरा। ये लक्ष्मण जी जो है वो त्रिपुरा से हैं और इनको काफी ज्यादा लॉस हुआ है पिगरी फार्म में। ये बहुत पहले से पिगरी फार्म कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, अभी आपका कितना लॉस हो गया लगभग? लगभग 9.5 लाख। 9.5 लाख रुपए तक आपका लॉस हो गया। ओके, किस कारण से लॉस हुआ? मुझे ट्रेनिंग नहीं पता। आपका नेटवर्क कट रहा है लक्ष्मण जी, आपका नेटवर्क नहीं कट रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। कोई से भी मुझे नहीं मिला। मैं बहुत कोशिश की, आई से कि मुझे ट्रेनिंग नहीं मिला, मेरा गलती से मेरा लॉस हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप मतलब समझ रहे हैं ना आप दोनों को, इसलिए मैं आप सबको अनुभव अपना पूछता हूँ, क्योंकि क्या है ना कि आप सबको पता चले। अभी आप दोनों जो हैं वो क्या है ना, पैरलर वाले आप दोनों जो है वो क्या है ना कि दोनों अभी स्टार्टिंग बिजनेस में हैं। और ये जो लक्ष्मण भाई हैं उनसे मेरी काफ़ी पहले बात हुई है, इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया बस इस कारण से कि इनके पास जानकारी नहीं था। मतलब हम समझ सकते हैं कि जानकारी बहुत ज़रूरी है पिगरी फार्म में। अभी ये 9.5 लाख रुपए का लॉस लेकर के बैठे हुए हैं। इनसे हमारा वीडियो में देखा मैंने, इनके काफ़ी ज़्यादा जानवर मर चुके हैं और अभी इनके पास 10 या 12 बचा हुआ है। बस किसी तरीके से इनको हमारा नंबर मिल पाया और ये हमसे कॉन्टैक्ट किए ट्रेनिंग के लिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पहले वाले बैच में जो हुआ था वो महाराष्ट्र के एक हमारे मित्र हैं, वो एक महाराष्ट्र के थे। जैसे अभी आप लोग हमारे मित्र बने, वैसे जो इससे पहले हमारा ट्रेनिंग हुआ था उसमें हमारे एक महाराष्ट्र के मित्र थे और एक बंगाल के मित्र थे, जो कि वो दोनों को भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था इस लाइन में। तो वो भी ट्रेनिंग लेकर के बहुत अच्छे हैं। मैं उनका एक स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगा कि जो उन्होंने मुझे लिख करके भेजा था कि मतलब उनका लगभग 16 से 17 लाख रुपये का लॉस हुआ था पिगरी फार्म में। सब लोग ये सोच करके आते हैं कि बहुत ज़्यादा इनकम है, बहुत ज़्यादा इनकम है। मैं हर वीडियो में बस एक ही बात बताता हूँ कि हमारी उम्र आप लोग के जैसा ही है। मैं कोई बड़ा मतलब कि ऐसा नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेनिंग लूँगा और पिगरी फार्म के बारे में अगर कोई बता रहा है तो कुछ अलग फेस होगा वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आप ही लोग के जैसा हैं, ठीक है? हमारा आवाज़ क्लियर जा रहा है आप लोगों को? सर। ओके ठीक है। तो इसलिए क्या है ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आप लोग से अलग नहीं है, हम आप लोग के जैसे ही हैं। आप बिंदास कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। अभी थोड़ा सा डिले हुआ ये स्टार्टिंग में ट्रेनिंग में, क्योंकि हमने थोड़ा सा वैक्सीन ले लिया था, इसलिए अभी भी आप देख सकते थे कि पसीना निकल रहा है। एसी चल रहा है फिर भी पसीना निकल रहा है, क्या बताऊँ। मतलब बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। मतलब अंदर से जो है ना कि 10 मिनट भी अगर मैं रूम के अंदर बैठ रहा हूँ ना तो बहुत गर्मी। मतलब नेचुरल जंगल में मैं बिता रहा हूँ टाइम अभी दिन का। कुछ भी बुखार वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, बस सिर्फ पसीना निकल रहा है, बहुत पसीना निकल रहा है, बहुत ज़्यादा। चलिए ठीक है। अभी आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ क्वेश्चन से। क्वेश्चन आप लोग पूछिएगा, थोड़ी सी एक बार और बता देता हूँ आपको, ठीक है? छोटी सी एक जानकारी दे देता हूँ कि जो यूट्यूब पे आपको बताया जाता है
जो YouTube पे आपको गाइडलाइंस दिया जाता है, बहुत सारे यूट्यूबर है जो अपने फार्म का, अपने क्या बोलते हैं उनको, मेडिसिन का बहुत सारे चीज बताया जाता है कि विदेश छोड़ करके सुअर फार्म में आ गया, लाखों को नौकरी छोड़ करके सुअर फार्म में आ गया। भाई मैं आपको एक बता देता हूँ, ये जेन्युइन नहीं है। कोई भी अपना 10,000 रुपए का भी नौकरी छोड़ करके कोई 12,000 रुपए का नौकरी मिलेगा ना तब ही जाएगा, और ऐसे नहीं जाएगा। और अगर वो नौकरी पाने के लिए मेहनत किया है ना तो ऑब्वियसली वो नौकरी नहीं छोड़ेगा, समझ रहे ना बात को। इसलिए आप अगर पिगरी फार्म में आ रहे हैं, देखिए इसमें प्रॉफिट है, लेकिन अंदर अगर आपके अंदर दो चीज है तो पहला पैसा और दूसरा पेशेंस। पैसा कहने का मतलब है अगर आप पैसा लगाएंगे तभी आप पैसा कमाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सिर्फ सोच लिए कि हमको पिगरी फार्म करना है, सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है पिगरी फार्म से तो हम भी पिगरी फार्म करके बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात पेशेंस। पेशेंस कहने का मतलब है क्या है कि अगर अभी हमको फायदा नहीं हो रहा है, फायदा नहीं होने का मतलब क्या है कि अभी आप छोटा बच्चा लाए, छोटा बच्चा लाने के बाद क्या है कि आप इसको तुरंत जो है सो तुरंत इससे आप पैसा नहीं कमा पाइएगा। आपको 1 साल टाइम लगेगा इसको बड़ा करने में, बड़ा करने के बाद उससे बच्चा लेने में, उसके बाद फिर आप उससे पैसा कमा पाएंगे, ठीक है। अगर आपको अभी तक मतलब कि जो मैंने छोटी सी बात बताया, मैं हमेशा वीडियो में भी यूट्यूब के वीडियो में भी नेगेटिव पॉइंट ज्यादा बताता हूँ, अभी ट्रेनिंग में भी आपको पहले ही नेगेटिव पॉइंट बता दिया कि उतना ज्यादा पैसा आप नहीं कमा पाएंगे जितना पैसा आप सोच करके आए यूट्यूब से। मतलब पैसा कमाएंगे पर यूट्यूब से जो सोच करके आए वो पैसा आप नहीं कमा पाएंगे। यहाँ जैसे कि दुबई से दुबई की नौकरी छोड़ करके आ गया और सुअर फार्म कर रहा है, बैंक का नौकरी छोड़ दिया, बैंक का मैनेजर का नौकरी छोड़ दिया और सुअर फार्म में कर रहा है, भाई ये सब गलत है, ये सब सिर्फ पॉलिसी है, ठीक है। आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको बिजनेस का क्राइटेरिया हम बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या लॉस होता है, क्या प्रॉफिट होता है, उस हिसाब से फिर आप कीजिएगा। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ट्रेनिंग करने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं आपका पैसा फालतू गया है, मुझे अब पिगरी फार्म नहीं करना है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपके पैसे आपको सही सलामत आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात अगर आपको लगता है कि नहीं मतलब कि हमको आगे काम करना है लेकिन सर से बने हुए रहना है और बार बार हम फोन करेंगे तो सर के बारे में क्या, सर क्या हमारे बारे में सोचेंगे वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मत सोचिएगा। अगर मैं फ्री हूँ तो मैं आपका कॉल रिसीव करूँगा, अगर मैं थोड़ा सा काम पे हूँ तो मैं आपको कॉल बैक करूँगा, पर आपको जरूर सारी बातें बताऊँगा, ठीक है। कनेक्शन कट गया, लक्ष्मण भाई का नेटवर्क का कुछ इशू आया, एक सेकंड रुकिएगा।